गुड मॉर्निंग सारी फैमिली को। और बन रही है चाय, क्योंकि मॉर्निंग में मिलती है चाय। जिसने भी दूध पीना है तो दूध भी कर दिया है गर्म, ठंडा होने लग रहा है। देखो पहले बेले में दूध नहीं पिया करती, लेकिन हम तो अभी भी पहले दूध पीते थे बेले में, बीच में नहीं पीते थे। तो हम कति जो पहले जमाने के रहते हैं उसके हिसाब से रहते हैं, तो दूध बेले में ही है बच्चों के लिए, तो ये बेले में। इसमें है चाय, या चाय है दिखाऊं, रहने दो, या वैसी चाय ही मैं थैली ही डूबो या करें। बहुत बढ़िया है, इसमें अदरक वदरक सब कुछ मिला हुआ है। तो इसमें मैंने दूध गर्म किया था, ये रख दिया। परांठे बनाऊंगी, कुछ परांठे तो मैंने भेज दिए, एक दो बच्चा तो भेज दिया ही, एक दो रह रहे उनके बनाऊंगी यहाँ पे आलू के परांठे। और तुमने भी खाने हो तो तुम भी खा लियो। पहले तो मैं चाय पीऊंगी, कितनी गुड़ 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 हो रही है पेट में, यहाँ सी लग रही है, चाय मांग रहे हैं पेट, करे चाय चाहिए। तो अभी पी रहे हम चाय, तुमने भी पीनी है तो आ जाओ भाई, सभी के लिए है। बहुत मुंडे लत होगी चाय वाय की। तो देखो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इस चाय का छानूंगी अभी तो, इन उबड़न दे बाद में दिखाऊंगी आपको। एक टाइम दूध पी लिया, चाय बन के होगी है तैयार, पूरी उबाल दी है। मीठी मीठी आंच पे कम कर रखी थी, इसे देखने में तो अच्छी लगती है, अब नहीं अच्छी लगती है। बस देखते हुए भी गिल यहाँ सी रही है इसे तो। पर इसका एक सुख है, चाय नहीं हो उठती, पतीला में चाय जम जाती है ना, वो नहीं जमती। इसमें मैं दूध गर्म कर लूंगी, अभी दूध लाऊंगी, लाएगी मैं ऐसे रख दूं, बार बार क्या धोने, मैं घिस जाएंगे बर्तन भी। पहले लगाएंगे हमारे दादार भोग, बाद में हम तो प्रसाद के रूप में लिया करा जो भी कुछ सामान लेना हो। ये कर रही हूँ पानी गरम, आलू छील लूंगी इतना,
पानी निकल गया इसमें तो क्यों निकला। बच्चों को दे रही हूँ, सेवा कर रही हूँ बच्चों की, क्योंकि मैंने इनसे काम लेना है, इसलिए अभी काम लूंगी 10 बजे इसलिए इनकी सेवा जारी कर दूँ। एक बार आलू के परांठे बनाऊंगी। दो कौन आ गया भाई? मैं बाकी पता फिर बच्चों के साथ गई थी। अच्छा लूट पानी देते हुए डर लग रहा है बच्चों ने, पता नहीं क्या काम करवाऊंगी। काम ले भाई थोड़ा, 5 मिनट का करवाऊंगी बेटे, 10 मिनट मेरे लिए निकाल लियो भाई। और भाई ये सारा कर रहे, आलू के परांठे खाओगे या रोटी ये खाओगे? सारे में आलू का परांठा खाना है तो 2 ही उंगली कर, अरे सब्जी रोटी खानी है तो ये वही सारा कर रहे बच्चे, 2 उंगली का आलू के परांठे खाएंगे। चल भाई ठीक है, एक को दूध दे दिया, एक को आलू के परांठे दे दूंगी। भे बच्चे हैं मेरे पूरे 5 और सब की कमाई सुन एक को पानी दिया है गरम, एक को दूध दिया है, एक को आलू का परांठा, एक को बाबू से का प्रसाद है, एक रह रहा ना उसने उसने दूंगी। अरे एक सो रहा है वे वे उसने ठाके ना, उसका तो सारा भोग लगवाऊंगी कति है, वो सो रहा तुम समझ गई होगी सो कौन रहा है, क्योंकि वो रात न जाता है वे वहां अपने घूमने वृंदावन में, फिर आता तो उसको लेट तक सोने देती हूँ, उठाऊंगी। मैं बैठी थी आंख खोल के, एक आंख तो मेरी तरफ देख रहा था, मेरे को इतनी हंसी आई, फिर उसके लाड करके वापिस सो आई। कभी कभी ऐसा एकदम चंदा लगेगा कि मेरे से कुछ कह रहा है, देख रहा है, और फिर ध्यान से देखूंगी ना फिर ना दिखे। ये ठूठिए ज्यादा टपके हैं पहले ही हम तो रे। हाँ भाई ठूठी मत टप, क्या करो तुम बंद हो जाओ। काम आज मन बहुत ज्यादा है, ये ना ठंडे हो गए, ठंडे हुए पीछे लेट छिलने का मैं देखियो। मान लू के परांठे में क्या डालूंगी, इनकी बनाऊंगी सब्जी और ये बनाऊंगी आलू के परांठे। ये आलू है वैसे तो टाइट हो रहा है, लेकिन इसको
देखो बेलन की सहायता से बिल्कुल ऐसे करिए, ये भी आटे जैसा बिल्कुल भी रोटियों में वह गुठली गुठली सी नहीं आएंगी। तो ये हो गया है, आलू को पीस दिया है, ये है कच्चा जीरा, हरी मिर्ची, संध्या नमक, हम संध्या नमक ही खाते हैं, चावल का है तो इसमें मैं यही डाल रही हूँ और कोई मसाला नहीं है। तो वह रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा तो मसाले को मिक्स कर देती हूँ। आपके सामने डाला है नमक, मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा और कच्चा जीरा। मिल गया है, मिक्स कर दिया है पूरी तरह। मैं बनाती हूँ इसका कांदा, बहुत बढ़िया बनाऊंगी। निस्ताल वो करे थे तो गिल्ला हो रहा है, सूखा चुनने सोते हैं इसको, क्योंकि धोने के बाद तो फिर यो चिपकेगा, सूखेगा कई बार में।
ये चाप के साथ खा लेंगे बच्चे। राम राम जी सभी को। अब मैं अब विश्राम की बारी है, विश्राम करो, काम करो घर में जम के। राम राम जी।